दोस्तों आज के ट्रैवल ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे मोक्ष डायरी मड़कनका घाट। तो इस समय हम मौजूद हैं चौक वाले रास्ते पे, जैसा कि नज़ारा देखिए। और वो जो रास्ता चला जाएगा सीधे वो भुजोलिया मार्केट की तरफ चला जाएगा। तो आज हम चलेंगे मोक्ष डायरी मड़कनका घाट। बताया जाता है कि करीब 200 वर्ष से यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। आज चलेंगे, जानेंगे मोक्ष डायरी मड़कनका घाट के बारे में। सकरी गलियों के रास्तों से जाया जाता है दोस्तों। बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे कि आप रास्ता ना भटक जाएं। भाई देखिए फेमस ब्लू लस्सी शॉप। देखिए और बोर्ड लगाया गया है मड़कनका घाट जाने का रास्ता। गली में आपको हर एक चीज़ खाने की मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे चाय है, पान है और ठंडई, सब कुछ सारी वैरायटी आपको मिलेगी। ताज़ा घी, पनीर, इत्र की भी दुकान है यहाँ पे। देखिए मिठाई की दुकान है। देखिए यहाँ पे सब्जी का भी मार्केट है दोस्तों। गलियों का शहर देखिए दोस्तों, यही है बनारस है। कहा जाता है यहाँ पे लोग मरने के लिए आते हैं अभी काशी में। तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान है दोस्तों। क्रियाक्रम में जो भी सामान लगते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और ये देखिए बगल में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का आपको सुंदर सा दृश्य दिखा रहे हैं। और लगभग दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मोक्ष डायरी मड़कनका घाट। थोड़ा सा लंबा पड़ता है मगर बहुत ही आनंद आ जाता है। और लगभग दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कि नीचे रास्ता चला जाएगा और नीचे भी अंतिम संस्कार होता है और छत के ऊपर भी अंतिम संस्कार होता है। तो पहले चलेंगे हम नीचे का, आप लोगों को दृश्य दिखाएंगे।
नज़ारा। यहाँ के मंदिर देखिए दोस्तों, बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये जो मंदिर आप सामने का देख रहे हैं, ये तारकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बताया जाता है कि दोस्तों यहाँ पे खुद मुर्गे के कान में मुछ का मंत्र फूंकते हैं महादेव। आप जो सामने देख रहे हैं ये दृढ़ा मंदिर, ये रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। उसके जस्ट आगे दत्तात्रेय जी का मंदिर है। आप तो दोस्तों इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। आपको घाट का भी नज़ारा दिखा रही है, देखिए नौका विहार कर रहे हैं श्रद्धालु। अब दोस्तों सीधे चल रहे हैं कुंड की तरफ। बताया जाता है माता पार्वती जी का कंड कान का कुंडल उसी कुंड में गिरा था, वो चल रहे हैं आप लोगों को दिखाने। हम यहाँ पे आप बहुत सारे दुकानें देख सकते हैं दोस्तों। जो सामने मंदिर देख रहे हैं, दत्तात्रेय जी का मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर, इसे टेढ़ा मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। और हम मणिकर्णिका कुंड से होते हुए आप पहुँचे हैं सिंधिया घाट की तरफ। ये देखिए सिंधिया घाट का पूरा नज़ारा। अंतिम संस्कार में जो भी आते हैं वो इसी जगह गंगा स्नान करते हैं दोस्तों। तो श्री काशी विश्वनाथ जी का गंगा द्वार है। गंगा द्वार के जस्ट बगल में मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट, इसको महामसान घाट भी कहा जाता है दोस्तों। अब बताया जाता है कि डोम घराने में चीता की लकड़ियों पर खाना भी बनता है दोस्तों।